मेरा नाम नरगिस है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, और 3 साल से मेरी माँ मेरे साथ यौन शोषण करा रही है और मुझे उनके खिलाफ मुकदमा, मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है। और उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल भी किया गया वीडियो बनाने के बाद, और फिर मैं कैसे कार्रवाई करती, इसलिए मैं चुप रही। माँ सोते लिए या सगी माँ है? मेरा नाम नरगिस है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ, और 3 साल से मेरी माँ मेरे साथ यौन शोषण करा रही है और मुझे उनके खिलाफ मुकदमा, मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है। 3 साल से यौन शोषण करा रही है मेरे साथ, पहले असलम के साथ कराया, फिर अपने हस्बैंड के साथ किया, फिर एक और लड़के के साथ कराया। जबरदस्ती के साथ? जी। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? किया मैंने। माँ कैसे करा सकती है अपनी बेटी का? सर करा रही है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जब आपका यौन शोषण किया जा रहा था, आप नाबालिग थे या बालिग थे? नाबालिग थी। अच्छा, आपने पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया था, जयपुर पुलिस को? जी मैंने कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं। इतना समय क्यों लगा, 3 साल आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? सर उस टाइम देखो इतनी समझ भी नहीं थी, और फिर देखा कि कोई साथ भी नहीं है, और उसके बाद फिर मुझे ब्लैकमेल भी किया गया वीडियो बनाने के बाद, और फिर मैं कैसे कार्रवाई करती, इसलिए मैं चुप रही। माँ सोते लिए या सगी माँ है? सगी माँ है। जी। पिताजी नहीं है आपके? है, बट वो अब कॉन्टेक्ट नहीं है उनसे कोई। क्यों? क्योंकि मम्मी के साथ बाहर निकाल दिया था उन्होंने। जब मम्मी आओ ना, जी वो बाहर निकाल दिया था। जी मम्मी ने। अच्छा, पैदल ने? जी। पिताजी कहाँ है अब? वो तो सहारनपुर है। अच्छा, वो जो लड़के से, जो आप रुड़की का लड़का बता रहे हैं जिसने आपके साथ यौन शोषण किया है, क्या किस तरह दोस्ती हुई थी आपकी, सोशल नेटवर्किंग पर हुई थी, क्या था प्रॉपर जरा उसको? जी उसके इंस्टाग्राम पे मुझसे बात हुई थी, उसके बाद फिर मम्मी को पता लगा, उन्होंने उसको जयपुर बुलाया और फिर उससे बातें बातें की, उसको पैसे का लालच दिया, फिर बाद में बातें सब पता लगी कि मुझे तो पैसों का लालच दिया गया था, इसलिए मैंने सब किया। मुझे तो इंसाफ चाहिए, मैं यही मांग करूँगी। अच्छा, तो आपके जी दी है? अच्छा, तो हाँ अभी वो जांच कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके साथ बैठे हैं ये कौन है? ये अंकल है, इन्होंने मेरी जिम्मेदारी ली थी। अच्छा। पहले मैं इनके यहाँ पार्लर का कोर्स सीखती थी, मैंने इनको अपनी सारी बातें बताई और इन्होंने मेरा साथ दिया। अब मेरी माँ इनको ही बदनाम करना चाहती है कि ये इसका साथ क्यों देते हैं। अच्छा। और इसको अपने घर क्यों रखा हुआ है, ये मुझे अपनी बेटी की तरह अपने घर पे रख रहे हैं। अनम अंसारी है, वो भी मुझे अपनी बहन मानती है, 15 साल से वो गरीब लड़कियों की सेवा करती है, अब उनके ऊपर ही उल्टे इल्ज़ाम लग रहे हैं। नमस्कार जी। सर मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, और एक बच्ची है ये नरगिस, ये इसकी माँ इसका 3 साल से यौन शोषण कर रही थी, और ये हमारे पार्लर में, हम गरीब बच्चों का काम सिखाते हैं, वहाँ सीखने के लिए आ गई थी। इसने सब बात हमें बताई, हमने इसकी माँ की शादी जो है जयपुर में करा दी। मैंने भाई तुम गंदगी से निकलो बाहर, हमने खुद ने कराई, तो उसने इसको लड़की को डॉक्टर ने अपनाने से मना कर दिया जहाँ पर शादी हमने कराई थी। फिर इसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई थी कि हमारी बिटिया ने, हमने कहा भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमने इसको इंटर कराया, हाई स्कूल कराया, नीट की तैयारी करा रहे थे, तो वो लोग अभी पीछा नहीं छोड़ रहे इसका। अब भी ये जयपुर गई तो फिर इसके साथ कांड कर दिया, फिर एक आदिश नाम का लड़का है उससे इसकी झूठी शादी तय कर दी, उसने इसकी वीडियो बना ली, अब उसे ब्लैकमेल कर रहा, इसने जो अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं पैसे वो भी मौजूद हैं, जो उसके सारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज हैं ब्लैकमेलिंग के, वो सारे मौजूद हैं, सब सबूत हमारे पास सर, सारे टोटल। सर हमें, हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, वहाँ हम CO साहब के पास हम मिले थे, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, फिर हमें गंगनाथ थाने भेजा, उन्होंने तुरंत हमारी इसकी बयान लिए लिखा और तुरंत उन लोगों को बुलाया भी था, लेकिन अब मतलब 2-4 दिन से हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसके अंदर अभी, मतलब ये इस प्रक्रिया में क्या चल रहा, हम चाहते हैं इस पर मुकदमा दर्ज हो, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने CO साहब से कहा था सर हम इसमें निष्पक्ष जाँच चाहते हैं। लेकिन न्यायिक तौर पर तो गलत है, आप उसकी केयर टेकिंग या तो रिटर्न बुक में ले सकते हैं, न्यायिक तौर पर मौके के लिए तो चलने के लिए, फिर आप कैसे इंसाफ दिला पाएंगे? सर मैंने लिखित में ले ली जी।
अगर आप मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मेरी मम्मी है, मेरा दो बेटे हैं मेरे, जिस बेटे को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है वो डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, सारा परिवार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। वो ये चाह रही है, वो ये चाह रही है कि मैं मुझे बदनाम कर रही, वो उन्होंने निकाल दी वीडियो वाडियो, सबको फिर नहीं बना अगर पड़ता हो तो सबको पता है अनम कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा बेटा कौन है। तो वो ये चाह रही है, वो ये चाह रही है कि मैं इसकी सपोर्ट छोड़ दूँ। ये बहुत बड़ा हाँ सच सही बात है, पता है सर, 15 अगस्त की बात है और हम तो इस काम को जानते भी नहीं हैं, काम कैसे कैसे होते हैं, हम तो इस काम कभी करें नहीं, हमने सीधा सीओ के पास गए, सीओ साहब ने वहाँ भेज दिया, वहाँ चले गए। नहीं सुने सर, एक महीने से इस मैं बता दूँ आपको, जब ये छीटी पिटी आई थी इसके फोटो हमारे पास हैं, इसका डॉक्टर अहमद के यहाँ इलाज चल रहा, इस स्थिति में भी नहीं थी तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से आपके सामने बैठ जाए। तो इसको MRI कराया मैंने, इसका इलाज चल रहा है, उसके पेपर दिखा सकता हूँ मैं आपको, कब से चल रहा है इसका इलाज। तो बहुत ज़्यादा चोट मार रखी थी सिर पे इसके, इसे संभाल लूँ मैंने, उसके बाद देखते हैं करते हैं, सोचेंगे समझेंगे कैसे करेंगे। और ये करने के लिए मैं सो रहा, ये नीट की तैयारी कर रही बच्ची, इसका भविष्य ना खराब हो। लेकिन जब ये हम तो बी मीडिया में नहीं आना चाह रहे थे, जब उसने देखिए सर इंसाफ तो जरूर मिलेगा, सर हम तो जंतर मंतर तक भी जाएंगे, हमने तो वहाँ तक का सोच रखा, छोड़ने के नहीं, छोड़ दे नहीं किसी हाल भी। और वो कुछ भी कर ले, कितना बदनाम कर ले, कुछ भी कर ले, मुझे मेरे परिवार को मैं हटने का नहीं, इसके साथ से इसकी बच्ची साहिसे इंसाफ दिलाकर रहूँगा बस बस। और मुझे सबसे उम्मीद है, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद, उन्होंने हमारी तुरंत संज्ञान लिया इस बात का। जी लोग जो 4 लोग हैं सर जी, पहले इसकी माँ है सबसे बड़ी, और अच्छा यौन शोषण 3 लोग हैं सर, पहले है असलम आरती, उसके बाद डॉक्टर सिराजुद्दीन, उसके बाद में आतिश है लड़का, वो जिम ट्रेनर वगैरह क्या है वो है। ये सब खुली नहीं है जी, इसकी वीडियो उसने जो बनाई है वो हमारे पास है, आप लोग देख लो उसको जो उसने बनाई, जिससे ब्लैकमेल कर रहा, सारे इसके मैसेज देख लो आप, इसकी माँ की उसकी साठगांठ है पक्की, जहाँ जहाँ होटलों में रुके हैं ये, सिंगल रूम लिया उन्होंने। एक बात सुनो आप, कोई भी अगर आप सगे बाप भी हो और जवान बच्चों को अपने होटल में सिंगल रूम में रखने के नहीं, आप क्लियर रूम लिया, सिंगल रूम लिया, सिंगल रूम में रह, रुड़की रह रही थी वहाँ, सिंगल रूम था, सिंगल बेड था, अब यहाँ पर रामपुर चुंगी में सिंगल रूम था। तो ये क्यों है, ये तो बहुत सारी बातें हैं, जो कोई सवाल जवाब तो हमारे सामने किसी का, हम बताएं फिर, हमारे पास सबूत सर है। अच्छा एक बात और, एक औरत रुड़की गई, यहाँ रुड़की से वहाँ पर गई थी सर काम करने के लिए, भूरी नाम की, उस इसकी माँ ने डॉक्टर खुश करने के लिए उसकी सारी सेक्स करा दिया, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसकी माँ से मेरी बात चलती थी, आप वो रिकॉर्डिंग मेरे से ले लेना, सुन लेना, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल फेयर है बिल्कुल, और हम डरने वाले हैं नहीं, वो मेरे बच्चों को बदनाम कर रही, आज तक मेरे बच्चे बड़े अफसोस में बैठे, लेकिन न्याय की जीत होगी, आप लोग हमारे साथ हो, बस धन्यवाद।